सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए एंड अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जैन संभाग के बारे में। इससे पहले मैंने बता दूं एमपी जीके की मैंने और वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग, ये पांचों संभाग का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने किले, दुर्ग और महल, ये सब के भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ नीचे प्लेलिस्ट दी है ग्रुप फोर की, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर मैथ्स के और कंप्यूटर के वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर उज्जैन संभाग। उज्जैन जो है हमारे संभाग में जो जिले आते हैं वो आते हैं उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगरमालवा। तो हम एक एक करके यहाँ पर पूरे जिले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग हमारा क्या है, इसका जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम, वो था अवंतिका। ठीक है, ये आप सभी लोग को पता होगा। उसके अलावा यहाँ पे 6वीं शताब्दी में क्या था, महान जनपद काल में भारत की 16 महान जनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, कौन सी राजधानी थी यहाँ पर, उज्जैनी। ओके, तो ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं राजा विक्रमादित्य, ये काफी फेमस राजा आप जानते होंगे, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था उज्जैन को अपनी राजधानी, राजा विक्रमादित्य ने। ओके, उसके अलावा बात करते हैं 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का केंद्र था। ठीक है, किसका था, 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का केंद्र था। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम एससी उज्जैन जिले में निवास करते हैं, यानी कि एससी पॉपुलेशन जो है हमारी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे संदीपानी आश्रम, ये काफी फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संदीपानी आश्रम में कृष्ण, बलराम, सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। आपसे क्या पूछा जाएगा, कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी ने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करी थी, वो जिला पूछ सकता है आपका। तो जिला होगा उज्जैन और आश्रम होगा संदीपानी आश्रम। ओके, उसके अलावा बात करते हैं फिर उज्जैन जो है हमारा मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है, ये भी आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये आपको पता ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी है, उसके अलावा और दुर्गा दास की छतरी भी है। ठीक है, तो ये मंदिर और ये जो सब चीजें हैं इसको अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने जीरो का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका उज्जैन में हुआ था और किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने। ओके, उसके अलावा यहाँ पर कालिदास समारोह है। ठीक है, कालिदास अकेडमी है, विक्रम यूनिवर्सिटी आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और उसके अलावा कालिदास भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद महर्षि पाणिनी संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, तो जितने पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा सोयाबीन सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में और सोयाबीन का संयंत्र भी आपको रखा है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका विश्व का ये एकमात्र स्थान है उज्जैन जहां पर सन 90 डिग्री लंबित होता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये सब चीज देख लीजिए, पूरे जितने पॉइंट्स थे मैंने उज्जैन के ऊपर लिए हुए थे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे देवास जिले के बारे में। तो देवास जिला है वो, ठीक है, इसका जो पुराना नाम था क्या बोला जाता, देववास, यानी यहाँ पर देवों का वास होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर देवीवास भी बोला जाता था, ये इसके सब प्राचीन नाम थे। अब उसके बाद यहाँ पर देवास में क्या हुआ था, 18वीं उससे लेकर 19वीं शताब्दी में पवार वंश का शासन था। तो कौन सा वंश का शासन था, यहाँ पर पवार वंश का शासन था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कलाओं का घर भी कहा जाता है यहाँ पर देवास को। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है, यहाँ पर आपको सभी लोगों को पता होगा बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देवास में, और उसका स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, बायो डीजल जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायो डीजल जिला कौन सा है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा देवास, उज्जैन, तो वहां पर आपका आंसर होगा देवास। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देवास में, ठीक है, लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है लेदर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, देवास में कही गई लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं मांगिलिया, एक जगह है यहाँ पर देवास में जहाँ पर गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, मांगिलिया में। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुमार गंधर्व देवास के राष्ट्रीय गौरव थे। ठीक है, कुमार गंधर्व कहाँ से बिलोंग करते थे, देवास के। उसके अलावा माँ चामुंडा का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, फतेहगढ़ का किला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फतेहगढ़ का किला आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और माँ चामुंडा का मंदिर। ओके,
उसके अलावा फिर गंधर्वपुरी है, नागदा में यहाँ पर पुरातत्व अवशेष मिले गए थे, ठीक है, कहाँ पर मिले थे, नागदा में। तो ये जितने पॉइंट्स थे मैंने देवास जिला के थे, ठीक है। तो आप देवास जिला अच्छे से देख लीजिए, आपको जो भी आएगा देवास जिला का क्वेश्चन वो उसी इसी जितने पॉइंट्स मैंने बताया इसी में से आएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नीमच जिला के बारे में। तो नीमच जिला जो था वो 10 जून 1998 को मंदसौर से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 10 जून 1998 को। तो ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए, 10 जून 1998 को। इससे पहले मैंने आपको जितने भी जिले की डेट बताई थी जब जब अलग हुए थे वो उसको आप याद कर लीजिए, ओके। उसके अलावा बात करते हैं नीमच का जो आकार है वो काय का हृदय जैसा है, यानी हार्ट की तरह उसका आकार है, ओके। उसके अलावा 1857 की जो क्रांति जो स्टार्ट हुई थी पूरे भारत में, वो सबसे पहले एमपी में कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, उसका विद्रोह कहाँ पर हुआ था, उसका विद्रोह हुआ था नीमच से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो नीमच में हुई थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सर्वप्रथम 2001 में नीमच जिले में झांतला ग्राम एक गांव है, वहां पर ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई थी। तो ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो झांतला ग्राम में हुई थी। उसके अलावा नीमच में यहाँ पे क्या है, सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी है, ओके। उसके अलावा अफीम उत्पादक जिला है, ठीक है, आपका नीमच मंदसौर रतलाम ये सब क्या है, अफीम उत्पादक जिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर मंदिर की बात करी जाते हैं, यहाँ पर कुकड़ेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। और उसके अलावा यहाँ पर भदवा माता का मंदिर भी है। उसके अलावा जो यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पे शाहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शाहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है कहाँ पर, नीमच डिस्ट्रिक्ट में, ओके फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मंदसौर जिले के बारे में। तो मंदसौर जिला जो था उसका पुराना नाम क्या था, दसपुर था, ओके। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब मंदसौर क्यों फेमस था, क्योंकि यहाँ पे रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उनका जन्म स्थान मंदसौर था, यानी कि रावण का जो ससुराल है उसको मंदसौर कहा जाता है, ठीक है। और मंदसौर में रावण की पूजा भी होती है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पे इंद्रगढ़ पुरातत्व स्थल है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको देख लीजिए, और रावण वाला, ओके। उसके अलावा यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, ओके, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा हफीम उत्पादक जिला है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हफीम उत्पादक जिला। उसके अलावा गांधी सागर डैम चंबल नदी पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जितने पॉइंट है रावण की पूजा वाला, ठीक है, और रावण की पत्नी, उसके बाद इंद्रगढ़ की पुरातत्व स्थल, पशुपतिनाथ का मंदिर, अफीम उत्पादक जिला, गांधी सागर डैम है आपका चंबल नदी पे, उसके अलावा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना है मंदसौर में, उसके उद्यानिकी महाविद्यालय है आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ओके। उसके अलावा सीता महू ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, कहाँ पर है आपका, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा भानुपुर तहसील का सुनेला टप्पा गाँव राजस्थान को दे दिया गया था, कौन सा गाँव राजस्थान को दिया गया था, सुनेला टप्पा गाँव राजस्थान को दे दिया गया था, कौन सी तहसील में आता है, भानुपुरा तहसील में आता है, ठीक है। उसके अलावा फिर चंदवासा में धर्म राजेश्वर मंदिर है, ओके। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ये सब पूरे पॉइंट्स है मंदसौर जिला के, ओके। अब नेक्स्ट करेंगे हम रतलाम जिला। नाउ फ्रेंड्स, अब रतलाम जिले के बारे में बात करते हैं। तो रतलाम नगर की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कैप्टन बॉर्थविक ने इसकी स्थापना करी थी। तो किसने करी थी इसकी स्थापना, कैप्टन बॉर्थविक ने की थी, ओके। और रतलाम को क्या कहा गया है, सेवों की नगरी भी कहा गया है, यानी कि सेवों की नगरी के नाम से भी रतलाम जिला जाना जाता है। और उसके अलावा रतलाम को मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या है, हफीम उत्पादक जिला भी है। उसके अलावा यहाँ पर प्याज एवं लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसका, प्याज और लौंग का, ठीक है। और यहाँ पर सेवों की नगरी भी कहा जाता है इसको, ओके। उसके अलावा यहाँ पर सेलाना फ्लोरिकिन अभ्यारण्य, जहाँ पर खर मोरों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, याला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, खर मोरों का संरक्षण किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं रतलाम में सेल खड़ी उद्योग अवस्थित है, कौन सा उद्योग है यहाँ पर, सेल खड़ी उद्योग है कहाँ पर, रतलाम में। उसके अलावा यहाँ पर त्रिवेणी मेला लगता है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेले के हिसाब से, त्रिवेणी मेला। उसके अलावा यहाँ पे जावरा तहसील है, जहाँ पर सुगर मिल भी है, ठीक है, यहाँ पर सुगर मिल कहाँ है, जावरा तहसील में, और जावरा तहसील की हुसैन टेरी है एक, ठीक है, हुसैन टेरी नामक एक स्थान है जो चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि वहां पर जो इलाज जो होता है वो चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर इपका, ठीक है, इपका प्रसिद्ध दवा कंपनी भी आपकी कहाँ पर है, रतलाम जिले में, ओके। तो ये जितने पॉइंट्स थे सब रतलाम जिला के थे, ओके।
नाउ नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर साजापुर जिला। तो साजापुर जिला जो था उसका नाम किसे पड़ा था, शाहजहां यहाँ पर आए थे, ठीक है। शाहजहां के नाम पर इसका शाहजहांपुर नाम पड़ा था पहले, ये इसका क्या प्राचीन नाम था, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर साजापुर जिला कर दिया गया है। अब साजापुर जिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसकी मक्सी तहसील थी वहां पर क्या डाबर का संयंत्र लगाया गया है, ओके। उसके अलावा यहाँ पर जो मेले की बात करें तो मोमन बदोड़िया का मेला यहाँ पर लगता है, और ये काफी फेमस मेला है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। और उसके अलावा यहाँ बात करते हैं मुल्ला शमसुद्दीन, ठीक है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा भी कहाँ पर है आपका, ये है आपका साजापुर जिला में, ठीक है। किसका, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा। उसके अलावा यहाँ पे बरसी दरगाह भी यहीं पर है, ठीक है। बरसी दरगाह आपकी कहाँ पर है, साजापुर जिले में। उसके अलावा बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी कहाँ पर है, साजापुर जिला में है। और उसके अलावा नलखंड का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ है आपका, साजापुर जिला में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स से साजापुर जिला के, तो साजापुर के नाम से आपको पता ही पड़ गया, शाहजहां ने नाम पर दिया था साजापुर, ठीक है। उसी की बहस पे साजापुर नाम पड़ा। आपको ये दोनों मेले याद कर लेने चाहिए, ठीक है, मोमन भदौड़िया का मेला और मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम करेंगे आगर मालवा, ठीक है। तो आगर मालवा जो था वो 16 अगस्त 2013 को साजापुर से पृथक करके 91 जिला बनाया था, ठीक है। तो ये किससे अलग हुआ था, साजापुर से अलग हुआ था, और डेट कब थी, डेट आपको याद कर लेनी है, 16 अगस्त 2013 को। उसके अलावा यहाँ पर आगर मालवा में क्या है, प्रथम गो अभ्यारण भी है आपका, ठीक है। गो अभ्यारण कहाँ पर है आपका, आगर मालवा में। उसके अलावा यहाँ पर वेदनाथ महादेव मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है, वेदनाथ महादेव मंदिर, ये पॉइंट आपको काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। उसके अलावा नलखेड़ा एक स्थान है, यहाँ पर यादवा माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है, नलखेड़ा में यादवा माता का मंदिर है, ओके। उसके अलावा यहाँ पर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। उसके कर्क राजी महादेव मंदिर है, शिवराज मंदिर है, गिरिजाघर है, तथा मोती सरोवर है, ठीक है। तो ये सब जो स्थान थे ये सब आगरा जिले में आते हैं आपके, आगरा मालवा, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपकी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर दी है, यहाँ पर मैंने टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीवा संभाग, ओके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये आप चाहे तो इस चैनल को नीचे जाके लाल बटन पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ मेरे पास MPGK की मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, तो आप वो MPGK के प्लस मैथ्स के वीडियो हैं तो आप वो देख सकते हैं। आपके ग्रुप 4 एग्जाम में ओनली 10 डेज बचे रह गए, ठीक है। आज 17 तारीख है, 27-28 को आपका एग्जाम है, ओके। तो आप फटाफट यहाँ पर MPGK कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर डालने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग जिस तरह से बताएंगे तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट करंट अफेयर अपलोड करना चालू कर दूंगा, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।